सो आ गए। चलो अच्छा है, क्रिकेटर के यूनिफॉर्म पर कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते, क्या मालूम है वो नंबर क्यों लिखे होते और उन नंबर को आखिर डिसाइड कौन करता है? कौन उन्हें ये बोलता है कि तुम्हारा नंबर 6 है, तुम्हारा नंबर 7 है? आखिर ये नंबर को डिसाइड कौन करता है? बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो नंबर क्यों लिखे होते हैं, नंबर देने का मेन रीज़न यह है कि उस व्यक्ति को दूर से भी पहचाना जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का नंबर है 7 और दूर से वो 7 क्लियर दिखेगा, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की शक्ल नहीं दिखेगी लेकिन वो जो नंबर है वो क्लियर दिखेगा, इसलिए लोग पहचान जाते हैं 7 नंबर, इसका मतलब वो महेंद्र सिंह धोनी है। और अब बात करते हैं कि इन नंबर को आखिर डिसाइड कौन करता है, कौन उनको ये नंबर देता है कि तुम्हारा नंबर 4 है, तुम्हारा नंबर 5 है। देखिए, वो जो नंबर लिखे होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पर, वो नंबर वो खिलाड़ी ही डिसाइड करते हैं, यानी खिलाड़ी अपनी मर्जी से कोई भी नंबर चूज कर सकता है। बट ये से एक इसमें शर्त है कि वो नंबर पहले किसी ने ना लिया हो। अगर मान लो किसी ने 7 नंबर को चूज किया और वो 7 नंबर पहले किसी ने ही ले लिया हो, तो उस खिलाड़ी को 7 के अलावा दूसरा नंबर चूज करना होगा। और जो खिलाड़ी जो ये नंबर डिसाइड करते हैं उनका अलग अलग रीजन होता है। जैसे MS धोनी का जो नंबर है वो 7 है, तो उनसे पूछा गया तो इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि उसने 7 नंबर इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि उनका जो बर्थडे आता है वो 7 जुलाई को आता है, इसलिए 7 नंबर डिसाइड किया गया था। और सचिन तेंदुलकर की यूनिफॉर्म का नंबर जो 10 है, तो उन्होंने इसका ये रीज़न बताया कि उनके नाम में 10 आता है, इसलिए उन्होंने 10 को चूज किया। सचिन तेंदुलकर, तो नाम में 10 आ रहा है ना, तो इस वजह से उन्होंने 10 को चूज किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की नॉलेज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।